हेडलाइट के अंदर जो DRL लगती है, तो क्या वो लगवाना सही है? क्या उसको करवाने के बाद कोई आपको लॉस होता है कि नहीं होता है? और अकॉर्डिंग टू मुसाफिर, अगर आप लोग मुसाफिर का पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं, तो क्या आप अपनी गाड़ी के अंदर, स्पेशली मैं अपनी गाड़ी के अंदर वो चीज़ कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा? तो अगर आप चाहते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। आज के टाइम में जब भी आप करोलबाग मार्केट में जा रहे हैं या फिर किसी भी कार मार्केट में जाते हैं, तो वहां पर आपको 100 तरीके की मॉडिफिकेशन मिलती है जो कि आप लोग अपनी गाड़ी के अंदर करवा सकते हैं। और अगर आप लोग उन लोग से पूछेंगे कि क्या ये मॉडिफिकेशन हमारी गाड़ी के लिए ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, तो वो एक ही वर्ड कहते हैं और वो होता है, सर आप करवा लो, इतने सारे लोगों ने करवा लिया है तो अभी तक तो कोई इशू नहीं आया है। तो आप लोगों को एक इजी चीज़ बता देता हूँ पहले ही। तो जो मैं लाइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें होता क्या है, आपकी जो हेडलाइट होती है ये ओपन की जाती है, और ये जो आप सफ़ेद सी चीज़ देख रहे हैं इसके ऊपर भी लाइट लग जाती है। इसी के साथ साथ में अंदर की तरफ, नीचे की तरफ आपको DRL लगाने का ऑप्शन मिलता है। जैसा सेम मैंने नीचे की तरफ लगाया हुआ है, वैसे ही ऊपर लग जाती है। तो क्या ये लाइट जो है, हेडलाइट खुलवाने के बाद लगाने का कोई फ़ायदा है कि नहीं है? तो इसमें मैं आपको सबसे पहला पॉइंट जो इसका बहुत बड़ा कॉन होने वाला है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी आप लोगों की गाड़ी की हेडलाइट खुलती है, सो हेडलाइट खुलते वक्त आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिस पॉइंट से ये लाइट खोली जाती है वहाँ पर एक पैकिंग डली होती है जो कि कंपनी फिटेड आप लोगों को हमेशा मिलता है। मेरा कहने का क्या मतलब है ये आप लोगों को बता देता हूँ। जो आपकी गाड़ी होगी गाइस, जो आपकी गाड़ी होगी जब वो कंपनी से आती है, जो हेडलाइट होती है उसमें एक परफेक्ट पैकिंग डली होती है। जिस पैकिंग से आपको फ़ायदा क्या होता है कि कभी भी उसके अंदर कोई मॉइस्चर या फिर पानी नहीं जा सकता है। तो जब भी आप मॉडिफिकेशन कराएंगे, यानी कि इसके अंदर DRL डलवाएंगे, तो उस टाइम पे होने क्या वाला है, आप लोगों को अपनी ये लाइट खुलवानी पड़ती है। और जो लोग ये आपको टारगेट करते हैं ना कि सर लाइट खुलवा लो, हम लोग सही तरीके से बंद कर देंगे, तो गाइस सबसे पहला लॉस जो होने वाला है वो है कि जब इस पैकिंग को आप लोग खोल देते हैं, सो इसको बंद करने के बाद ये पैकिंग कभी भी परफेक्टली बंद नहीं होती है, क्योंकि जो कंपनी पैकिंग लगा के देती है दैट इज कह सकते हैं 1000% अच्छी होती है, और जो आपको आफ्टर मार्केट में मिलेगी ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ 10% भी अच्छी नहीं होती है। विद इन 10 दिन के बाद, 10 दिन के अंदर आपको कुछ फील नहीं होगा, 10 दिन के बाद आपको डिफरेंस दिखना लग जाएगा। इसी के साथ साथ में एक चीज़ और आजकल हो रही है मार्केट में, जो पैकिंग वो लोग खोलते हैं उसी पैकिंग को वो पिघला के बंद भी कर देते हैं और कहते हैं ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आपने आपके उसमें हमने कोई पैकिंग नहीं डाली है, जो कंपनी वाली थी वही हमने फिट कर दी है। सो इसमें सबसे पहला जो आपको लॉस होगा वो होगा कि आपकी गाड़ी में बेसिकली आगे की जो तरफ है इसमें पूरी भाप जम जाएगी। रीज़न बीइंग मैं आपको बताता हूँ, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आपकी लाइट की हाफ पैकिंग खोल के बंद करके, उसने तो कह दिया बंद है, लेकिन जब आप इसको ड्राइव करेंगे इसके अंदर भाप जमती जाएगी, और होगा क्या, एक टाइम के बाद इसके आगे पूरा धुंधला हो जाएगा और लाइट की जो विजन होगी वो 0% हो जाएगी। एक महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर क्या पता आप लोगों को डिफरेंस ना पता चले, लेकिन गाइस फॉर ए लॉन्ग टर्म, जब स्पेशली बारिश का मौसम आएगा और नीचे से हीट पूरी उठती है, उस टाइम पे आप इसको बहुत इजीली देख सकेंगे और उस टाइम पे आप लोग रिग्रेट करेंगे कि हमने ये क्यों करवाया। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सो जब आपको ये बात पता चल चुकी है कि जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे, जब वो पैकिंग खुल जाती है तो अंदर की तरफ भाप जमेगी, इसके बाद आप लोगों को एक जो डिफरेंस दिखने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर चीज़ आपको कर देगा, वो ये रहने वाला है कि जो गाड़ी की आपकी रेनी सीजन में है वो सारी की सारी लाइट के अंदर आपको पानी जाता हुआ दिखेगा। और वो कैसे जाएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली जब इसको आप लोग ओपन कर देते हैं, इसकी तरफ एक पैकिंग होती है, सो जब भी बारिश होगी तो वो पानी थोड़ा सा अंदर जाएगा और वो थोड़ा 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 कर करके आपके अंदर चले आएगा, और आप लोगों को ईजिली एक टाइम के बाद दिखेगा कि आपकी गाड़ी की लाइट के अंदर भी पानी जम रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अगर आप लोग कभी भी अपनी ये गाड़ी की पैकिंग खुलवाते हैं, क्योंकि जो वो ड्रॉप्स होगी वो थोड़ा थोड़ा करके जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद यू गाइस कैन ईजिली सी कि वो क्या चीज़ है। इसी के साथ जिन भाइयों ने लाइट चेंज कराई होगी या कुछ सेटअप चेंज कराया होगा हेडलाइट के अंदर, तो गाइस वो आप लोगों की खराब होने वाली है। भाइयों आप लोगों को पता चल चुका है कि क्या क्या लॉसेज आप लोग अपनी लाइट के साथ झेलने वाले हैं। इसी के साथ साथ में जब आप लोग इस मॉडिफिकेशन को कराते हैं तो आपको उसमें ऑप्शंस मिलते हैं कि आप कौन से टाइप की DRL लगवाना चाहते हैं। एक आती है आपकी स्ट्रिप,
तो आप लोगों को ऑप्शन होता है कि या तो आप स्ट्रिप डलवा सकते हैं, एक होती है आपकी रनिंग लाइट्स। इसी के साथ साथ में आजकल बहुत सारी मॉडिफिकेशन आ गई है जिसमें ये पूरी जो आपकी हेडलाइट होती है इसकी भी कवरिंग आ जाती है। वो बेसिकली एक बहुत कह सकते हैं डिफरेंट लुक गाड़ी को देता है। लेकिन कभी आप लोगों ने इस बात को सोच के देखना कि आपने ये सब मॉडिफिकेशन तो करा ली, लेकिन मान लो कि आपने पैकिंग भी करा दी और आपकी पैकिंग बाय चांस अच्छी चल भी गई, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब वो अंदर की एक स्ट्रिप खराब हो गई, तो उसका लुक तो खराब होगा ही होगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ा कह सकते हैं फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ होगी ना आप लोग ले, वो ये होगी कि आपको ये पैकिंग फिर से खुलवानी पड़ेगी और फिर से उस लाइट को चेंज करवाना पड़ेगा। एंड जो भी आपके इसके अंदर ये लाइटें लगती है, इसकी जीरो वारंटी होती है। आई एम टेलिंग यू, ऑल चाइनीज प्रोडक्ट। जो बंदा एक बार ही आपकी लाइट खोल देगा कहेगा जरूर कि सर कुछ नहीं होगा या ये होगा, लेकिन गाइस जब उनका काम निपट जाएगा ना, उसके बाद आप लोग कंप्लेंट लेके आएंगे तो कहेंगे कि सर आपने कुछ कर दिया होगा, ये कर दिया होगा। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं तो भाइयों प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मुसाफिर, प्लीज़ अपनी लाइट्स के साथ स्पेशली छेड़खानी मत करवाओ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मुसाफिर ने इतना ज़्यादा नेगेटिव बता दिया है इस चीज़ के बारे में, लेकिन गाइज अगर आप लोग मुसाफिर का पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह है, तो आपसे मैं जो भी बात करूँ वो सच्ची होनी चाहिए, इसी के साथ साथ में आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होनी चाहिए। सो इसके बाद में आप लोगों को, अगर आप लोगों को बाय चांस इन लाइट को मॉडिफाइड लाइट्स को खरीदना है, तो इसका एक और ऑप्शन मिलता है जो कि आपको Hyundai Elite i20 के अंदर नहीं है। और गाड़ियों की लाइट्स में आपको ऑप्शन क्या है, ये जो बेसिकली लाइट्स होती है ये प्रॉपरली पूरी की पूरी बनाई जाती है। जिस भी शॉप्स में जा रहे हैं वहाँ पर ये लोग इसको एक कह सकते हैं लाइट्स को पूरा प्रिपेयर करते हैं। तो उन लाइट्स को लगाने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपको वायरिंग इशू कोई भी नहीं आएगा, यानी कि जो आप लोगों की वायरिंग होगी वो सेम वायरिंग को मतलब कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कपलर टू कपलर बन जाता है। उन लाइट्स को आप लगा सकते हैं। बलिनो में आप लोगों को ऑप्शन है, सियाज में आप लोगों को ऑप्शन है, होंडा सिटी में तक आपको ये ऑप्शन है जो आप चेंजेस करा सकते हैं। ये आपकी हेडलाइट और आपको बैक लाइट के लिए ऑप्शन मिलता है। लेकिन स्टिल अगर आप लोग मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ अपनी ओरिजिनल लाइट के साथ छेड़खानी ना करवाए, करवाना है तो एक जो आपको आफ्टर मार्केट में ऑप्शन मिलता है उससे आप करवा सकते हैं। करौलबाग मार्केट, लाजपत नगर मार्केट, शालीमार बाग, बहुत सारी जगह ये शॉप्स है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन आप लोग वहां जाके इनको परचेज कर सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन स्टिल जब आप लोगों का शौक बढ़ा है तो खर्चा तो वावा करना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को जो पॉइंट्स बताए ये छोटे मोटे इजी वाले पॉइंट्स थे आप लोगों के लिए, और मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि मैं चाहता हूं कि जितने भी आप लोगों ने Q&A टाइप के मेरे से चाहते थे तो मैं उसका एक एक जवाब दूंगा, एक एक क्वेश्चन का, तो काफ़ी सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं, तो इसलिए मैं एक पर्टिकुलर जो सबसे ज़्यादा पूछी हुई क्वेश्चन होंगे जो मेरे को लगेगा कि उसके बारे में बताना चाहिए तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ आज की जो ये वीडियो थी ये मैं स्पेशली अपनी तरफ से आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि भाइयों ने तो पूछा ही था, लेकिन मेरा खुद का मन हो गया था ये काम करवाने का। मैंने बहुत रिसर्च की और उसके बाद मैंने आप लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाया है। सो अगर आपको किसी भी पॉइंट में आज की वीडियो पसंद आई हो तो बिना लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चैनल में इतना प्यार दिखाया, जाके मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करो, लिखो MUSAFIR7811 यानी कि Musafir7811, फेसबुक में फॉलो करना लिखिए मुसाफिर आका जोशी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, और दिल्ली में हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन स्टिल आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहेगी, थोड़ा टाइमिंग चेंजेस होते रहेंगे और लेकिन वीडियो रोज आएगी। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।